आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन की। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग। ये जो तीनों एजेंसीज हैं, इन तीनों का काम एक ही है, वो है कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। तीनों में फर्क ये है कि तीनों का लेवल अलग है। डिस्ट्रिक्ट फोरम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे काम करता है और नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे काम करता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन की स्थापना वहाँ की जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, और नेशनल कमीशन की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा होती है। दूसरा पॉइंट लेते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप में आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर एक जज होते हैं और उनके अलावा दो मेंबर्स होते हैं। स्टेट कमीशन में भी एक जज और दो मेंबर्स हैं, लेकिन नेशनल कमीशन में एक जज और चार मेंबर्स हैं। अब जो मेंबर्स हैं उनके अंदर से एक महिला होनी चाहिए, एक लेडी सोशल वर्कर होनी चाहिए। जो जज है उनकी क्वालिफिकेशन बताई गई है, एलिजिबिलिटी। डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर आपको जज बनना है तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज रह चुके होने चाहिए, करंट या रिटायर्ड। अगर आपको स्टेट कमीशन के अंदर जज बनना है तो आप हाई कोर्ट के जज रह चुके होने चाहिए, और अगर आपको नेशनल कमीशन के अंदर जज बनना है तो सुप्रीम कोर्ट के करंट या रिटायर्ड जज, ये उनकी काबिलियत होनी चाहिए। अगला पॉइंट है अपील। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं स्टेट कमीशन को। अगर आप स्टेट कमीशन के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं नेशनल कमीशन को, और अगर आप नेशनल कमीशन के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को विद इन 30 days ऑफ जजमेंट। जैसे कि हमने अभी अभी देखा, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन विद इन 30 days। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन कैन बी मेड टू द नेशनल कमीशन विद इन 30 days, एंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 days। तो हायर लेवल पे अपील की जाती है। अगला पॉइंट है एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है वो एरिया जिसके अंदर आप ऑपरेट करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक रहेगा। स्टेट कमीशन का एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एक पर्टिकुलर स्टेट होगा, और नेशनल कमीशन का पूरा नेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जैसे हमारा समझो व्हाट्सएप का ग्रुप है तो उसके एक एडमिन होते हैं, वैसे ही यहाँ पर एडमिन का जो रोल है वो बताया गया है। तो समझो डिस्ट्रिक्ट फोरम अगर आप है तो आप एडमिन नहीं है, क्योंकि आप सबसे लोअर लेवल पे है तो आप मेंबर है। हाँ, लेकिन अगर आप स्टेट कमीशन है तो आपके अंडर में सारे डिस्ट्रिक्ट फोरम्स आ जाएंगे उस स्टेट में आने वाले, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंजॉय करते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। एंड अगर आप नेशनल कमीशन है तो आपके अंडर में सारे स्टेट्स आते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो नेशनल कमीशन के पास सभी स्टेट्स और सभी डिस्ट्रिक्ट फोरम्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। कंप्लेंट्स लिमिट, डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर आपको शिकायत करनी है तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है या आपने जो मुआवजे की मांग की, कॉम्पनसेशन क्लेम्ड, वो अप टू ₹20 lakhs होना चाहिए, 20 लाख रुपए तक। हाँ, अगर आपकी शिकायत 20 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक है तो स्टेट कमीशन, और अगर आपकी शिकायत की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ से भी ऊपर जा रही है तो आपको जाना है नेशनल कमीशन में। टर्म का मतलब है टेन्योर, कार्यकाल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन तीनों में जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल के लिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फोरम में वो अप टू द एज ऑफ 65 years होता है, लेकिन दोनों में से जो जल्दी होगा, आपकी नियुक्ति 5 साल के लिए होगी, लेकिन अगर उन 5 साल में कहीं पर आपकी उम्र 65 साल हो जाती है तो आपको रिटायरमेंट ले लेना है। स्टेट कमीशन में भी आप देख सकते हैं वही 5 years का टर्म है, लेकिन उसके साथ 67 years का आपको लिमिट दिया हुआ है। तो 5 years या 67 years, दोनों में से जो जल्दी होगा वो आपका टर्म माना जाएगा। नेशनल कमीशन में भी 5 years का टर्म है, लेकिन उसमें एज लिमिट देखो 70 years है। तो आप 5 years के लिए अपॉइंट हुए हैं, लेकिन अगर उस बीच उस दौरान आपकी उम्र 70 साल हो जाती है तो आपको रिटायरमेंट ले लेना है। और अगर आपकी उम्र 70 साल नहीं होती है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपकी उम्र है 64 years और 64 years में आप बने नेशनल कमीशन के जज, तो 64 के बाद आपको 5 years और मिलेगा, मतलब आपकी एज कितनी हो जाएगी, 69 हो जाएगी। ओके, तो इसमें आपकी एज 70 years अब तक नहीं हुई है तो आपको पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अपने दूसरे जो विद्यार्थी है, फ्रेंड्स है, उसके साथ आप शेयर करें। और आपको ऐसे कौन से टॉपिक के ऊपर डिफरेंस बिटवीन चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।